हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और यह हिस्ट्री का पार्ट टू रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। हमें बताना कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर दो जो है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या कह रहे कि तृतीय आंग्ले मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। हमें बताना कि तृतीय आंग्ले मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस था। तो ऑप्शन नंबर दो जो है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न तीन। प्रश्न तीन क्या करेगी, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। हमें बताने की शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। तो किससे थे? तो जीजाबाई से थे। तो ऑप्शन नंबर तीन है वह करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो तीन है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या करेगी, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। हमें बताना की शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक अभियान था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न पांच। प्रश्न पांच क्या करेगी, निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया। हमें बताना कि निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया। तो किसे माना गया? तो बालाजी विश्वनाथ को। किसे? तो बालाजी विश्वनाथ को। तो ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न छह। प्रश्न छह क्या करेगी, मराठा प्रशासन में पागा क्या था। हमें बताना कि मराठा प्रशासन में पागा क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, राज्य आश्रित सैनिक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न सात। प्रश्न सात क्या करेगी, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जागीर। तो जागीर के काल में, जागीर के काल में। तो ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न आठ। प्रश्न आठ क्या करेगी, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। हमें बताना कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुर्तगाली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो तीन है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नौ। प्रश्न नौ क्या करेगी, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वासराय कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, अल्मीडा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न दस। प्रश्न दस क्या करेगी, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है। हमें बताना कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। किसे समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न ग्यारह। प्रश्न ग्यारह क्या करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। हमें बताना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, 1600 ईस्वी में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न बारह। प्रश्न बारह क्या करेगी, फ्रांसिसियो का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। हमें बताना कि फ्रांसिसियो का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, पांडिचेरी में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न तेरह। प्रश्न तेरह क्या करेगी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। हमें बताना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न चौदह। प्रश्न चौदह क्या करेगी, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, अंग्रेजों ने की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न पंद्रह। प्रश्न पंद्रह क्या करेगी, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई। हमें बताने की कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी,
हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? है बताने की हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैसूर। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? है बताने की हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हाँ बताने की मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आगरा में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? है बताने की नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आत्मी सभा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? हमें वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पटना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्वाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? है बताना कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? है बताना कि वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।